नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो दोस्त नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का navbharattimes.com में। दोस्तों, सूर्य ग्रह 16 नवंबर 2021 को अपनी नीच राशि तुला से निकलकर अपनी मित्र राशि वृश्चिक में गोचर कर जाएंगे। जल तत्व की राशि वृश्चिक में अग्नि तत्व ग्रह सूर्य के गोचर से मौसम में अचानक से परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इस दौरान कुहासा लगने से दुर्घटनाएं होने की आशंका बढ़ सकती है, इसलिए सूर्य के इस गोचर के दौरान लोगों को वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी। सूर्य का यह गोचर सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। मेष राशि। सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको इस दौरान रखना होगा। पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। जंक फूड खाने से आपको बचना होगा। हालांकि इस राशि के जातकों को इस दौरान अचानक से धन लाभ होने की भी संभावना है। वृषभ राशि। सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, इसलिए साझेदारी के कारोबार में वृषभ राशि वाले जातकों को अच्छे फल मिल सकते हैं। इस दौरान समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जीवन साथी के जरिए लाभ मिलने की भी संभावना है। मिथुन राशि। सूर्य ग्रह आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे, इसलिए पारिवारिक जीवन में आपको सावधानी से रहने की सलाह दी जाती है। इस राशि के जातक अत्यधिक सोच विचार करने की वजह से अपने मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। आपको सोचने से ज्यादा कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, तभी आपको सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। कर्क राशि। सूर्यदेव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जिससे शिक्षा, खेलकूद जैसे क्षेत्रों में इस राशि के जातकों को अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। आप इस दौरान आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। इस राशि के कुछ जातकों को ननिहाल पक्ष से कोई सुखद समाचार इस दौरान मिल सकता है। सिंह राशि। आपके चतुर्थ भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। इस भाव में बैठे सूर्य आपकी अचल संपत्ति में वृद्धि कर सकते हैं। इस दौरान कुछ लोग जमीन या मकान को बेचकर भी मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि इस राशि के लोगों को अपनी माता के स्वास्थ्य का इस दौरान विशेष ध्यान देना होगा। कन्या राशि। सूर्यदेव का वृश्चिक राशि में गोचर आपके लिए शुभ फलदायक सिद्ध होगा। आपके तृतीय भाव में सूर्य ग्रह गोचर करेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बेवजह की चिंताएं मन से दूर होंगी और जो काम जरूरी हैं आप उन पे फोकस कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन में इस दौरान छोटे भाई बहनों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए उनसे बातचीत करते आप नजर आ सकते हैं। तुला राशि। आपके द्वितीय भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा, जिससे वाणी का तेज बढ़ेगा। अपनी बातों से आप लोगों पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन आपको अति उत्साह में आने से बचना होगा, नहीं तो कुछ ऐसा भी कह सकते हैं जिससे लोग आहत होंगे। परिवार के लोगों से इस राशि वालों को फायदा मिल सकता है। वृश्चिक राशि। सूर्य ग्रह का गोचर आपके लग्न भाव में होने से आपके शारीरिक स्वास्थ्य में अच्छे बदलाव देखे जा सकते हैं, परंतु मानसिक रूप से कुछ परेशानियां आपको हो सकती हैं। इस समय योग ध्यान करने से आपको लाभ होगा। सामाजिक स्तर पर लोगों के साथ विनम्रता के साथ बातचीत करेंगे तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धनुराशि। सूर्य ग्रह का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा, इसलिए इस राशि के उन जातकों को अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं जो विदेशों से जुड़ा कारोबार करते हैं। इस राशि के लोगों को धन से जुड़े मामलों को लेकर इस दौरान थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। बड़ी रकम का लेन देन करने से पहले अपने विश्वास पात्र लोगों को अपने आसपास रखें। मकर राशि। सूर्य का गोचर आपके लाभ भाव में होगा। इस भाव में बैठे सूर्य आपको कई स्रोतों से धन लाभ करा सकते हैं। कारोबारी और नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की जो योजनाएं बीते समय में पूरी नहीं हो पाई थी, वो इस दौरान पूरी हो सकती है। अगर आप भाई बहनों के साथ मिलकर कारोबार करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनि से सूर्य ग्रह भले ही मित्रतापूर्ण संबंध साझा न करते हों, लेकिन वृश्चिक राशि में सूर्य के गोचर के दौरान इस राशि वाले लोगों को अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके रचनात्मक विचारों की लोग सराहना कर सकते हैं। आपका कोई आइडिया आपके बॉस को पसंद आ सकता है, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी छवि सुधरेगी। मीन राशि। सूर्य ग्रह आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, इसलिए सरकारी क्षेत्र, राजनीति, प्रशासनिक कार्यों से इस राशि के जातकों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कोई सरकारी कार्य काफी समय से अटका हुआ था तो वह भी इस दौरान पूरा हो सकता है। हालांकि इस राशि के लोगों को माता पिता से बातचीत के दौरान अपनी सीमाओं के अनुसार ही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ जातक सूर्य के गोचर के दौरान धार्मिक रूप से सक्रिय नजर आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें navbharattimes.com। नमस्कार।